बुंदेलखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। नवरात्रि के दौरान देवी माँ का कोई चमत्कार न हो ऐसा कोई भी साल झांसी के अंदर नहीं जाता है। इस साल भी एक चमत्कार प्रेमनगर क्षेत्र के महाराज सिंह नगर में पानी की टंकी के पास स्थापित की गई देवी माता की प्रतिमा में देखने को मिला है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहां पर देवी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आकर रोज पूजा अर्चना कर रहे हैं। चमत्कार की जानकारी पिछले दिनों उस समय मिली जब प्रतिमा स्थापित कराने वाली आयोजन समिति के दिनेश माहौर ने देवी प्रतिमा के होंठों के पास से जल निकलता देखा। इसके बारे में उन्होंने आसपास के बच्चों से पूछा लेकिन कोई कुछ नहीं बता सका। दिनेश का कहना है कि पहले उन्हें लगा कि हो सकता है कि जो महिलाएं दूर से जल फेंक कर चढ़ाती हैं यह वही जल हो, लेकिन प्रतिमा से लगभग 10 फीट की दूरी पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, इससे पानी का प्रतिमा तक पहुँचना संभव ही नहीं है। उन्होंने बताया कि यह जल मीठा इसलिए प्रतीत हो रहा था क्योंकि देवी माँ के होंठों से लेकर थोड़ी तक बनी जल की लकीर में चीटियां हो रही थी। आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही उन्होंने इस वीडियो को बनाना चाहा, अचानक जल गायब हो गया। फिलहाल यह मुद्दा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और श्रद्धालुओं में भी काफी कौतूहल मचा है। झांसी से मनीषली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। पता चला कि नवरात्रि का तीसरा दिन था, जिस दिन तीसरा जल डला उस दिन दोपहर को 2 से 2:30 के बीच में हम पटवन करने के लिए गए, तो हमने देखा साफ़ सफाई की, तो हमने मूर्ति को थोड़ा देखा तो उसके होंठों से एक मीठा सा गंगा जल निकलते हुए जो उसकी बूंद टपक रही थी। उसके बाद हमने बच्चे से पूछा ये पानी कहाँ से आया, तो बच्चों ने बताया पता नहीं, जबकि स्टेज कम से कम 10 फुट दूर पे महिलाएं जो भी दर्शन करने आते हैं हम लोग कम से कम 10 फुट दूरी से देखते हैं मूर्ति को। तो मैंने सोचा कि कोई महिला या कोई भी आया हो जिसने जल चढ़ाया होगा, उस तरीके से जल का छिड़काव किया होगा, तो मैंने सोचा कि उनके होंठों तक पानी आ गया होगा। फिर हमने उसको ज़्यादा ध्यान में ना देते हुए पटबंद किए, उसके बाद हम लोग अपने अपने काम में लग गए। उसके बाद फिर मैंने रात को आरती की 8:30 बजे, उसके बाद मैंने 11 बजे हवन किया, उसके बाद से फिर पानी चालू हो गया आना। उसमें एक मीठा जबकि उसमें काली चीटियां लग रही थी, तो मैंने 1-2 चीटियां हटा दी, उसकी धार जो बनी है वो अभी भी बनी हुई है बराबर, उसमें रात भर पानी निकला। कब से आना बंद, अभी आ रहे बंद है? अभी बंद है, जब से मैंने वीडियो बनाई और जब से लोगों को बताया कि इसमें से, और कुछ महिलाएँ भजन गा रही थी, कम से कम 15 महिलाएँ जिसमें वीडियो में आवाज़ आ रही है बाकायदा, तो उनको भी मैंने वीडियो बना के दिखाया, उन्होंने देखा कि हाँ इसमें से पानी आ रहा है और ओंठों में तो बराबर। काफ़ी लोग आए होंगे यहाँ देखने के लिए? हाँ काफ़ी लोग आए, तो अब नहीं आ रहे? अब उस दिन के बाद जब से हमने बताया और वीडियो बनाई उस दिन के बाद नहीं आ रहा है। आज छठवा दिन है, तीसरे और चौथे दिन कब की बात है? तीसरे दिन आया और चौथे दिन भी आया, और चौथे दिन रात तक पानी ओंठों में बराबर रहा। कहाँ बैठी है मूर्ति? कहाँ ये मूर्ति बैठी है? पुलिया नंबर 9 पानी की टंकी के पास, महाराष्ट्र सिंह नगर झांसी। मंदिर पे है? मंदिर है, लोड़ी कालका का मंदिर है, वहाँ यहाँ 5 साल से बराबर बैठी।